तो फिर से स्वागत है फ्रेंड्स मेरे एक नए ब्लॉग में। सो गाइस, आज मैं हूँ लखनऊ में और लखनऊ जो कि नवाबों का शान है। दोस्तों, आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ लखनऊ के एक ऐसे इमामबाड़े को जिसका नाम है बड़ा इमामबाड़ा। दोस्तों, इसे बनाया था अवध के चौथे नवाब ने 1748 में। और दोस्तों, 1857 में इस पे अंग्रेजों ने हमला बोला था। उससे पहले की काफ़ी अच्छी शानदार स्टोरी है जो मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा। तो चलिए दोस्तों, इसमें कवर करने वाले हैं भूल भुलैया, इसे इमाम बाड़े को भूल भुलैया भी कहा जाता है। और दोस्तों, साथ ही कवर करेंगे यहाँ पे एक बावली। एंट्री करने के साथ आप देख सकते हैं ये है बड़े इमाम बाड़े का बाहर से कुछ इस तरीके का नज़ारा है। तो अभी हम अंदर चलेंगे और यहाँ पे कुछ अनाउंसमेंट अभी हो रही है और देख सकते हैं काफ़ी पब्लिक है। और आज दोस्तों फ्राइडे था तो फ्राइडे के लिए ये जो इमाम बाड़ा है 3:30 बजे ओपन हुआ और अभी लोग पब्लिक यहाँ पर काफ़ी लोग यहाँ पर इकट्ठा हो गए हैं। तो आप देख सकते हैं किस तरीके से अभी वहाँ पर एंट्री गेट है। दोस्तों आप देख सकते हैं और काफ़ी ज़्यादा धूप है क्योंकि आज है अप्रैल और अप्रैल में ज़्यादा धूप हो जाता है यहाँ पे लखनऊ में। और साथ ही दोस्तों बताएंगे यहाँ पे इसे बनाया था नवाब असफ़ुद्दौला ने 1748 में। दोस्तों, इसके पीछे की स्टोरी जो है काफ़ी इंटरेस्टिंग है, तो वो जानेंगे इस वीडियो में। तो इस तरफ देख सकते हैं टिकट के लिए लोग काफ़ी ज़्यादा लाइन में लगे हुए हैं और ये इसका मेन गेट है। फ़िलहाल मैंने ऑलरेडी यहाँ पे टिकट परचेज़ किया हुआ है, देख सकते हैं 50 रुपीज़ का टिकट है। और अभी हम डायरेक्ट अंदर की तरफ जाएंगे और इस तरफ देख सकते हैं कुछ इमारतें इमाम बारे में बनाई गई। सामने देख सकते हैं वो है भूल भुलैया और इधर देख सकते हैं असफ़ुद्दौला का मस्जिद। चौथे नवाब उन्होंने इसकी तामीर करवाई की थी। और अभी देख सकते हैं ये दूर से इसका नज़ारा है और अभी हम चल के लेकर चलने वाले हैं दोस्तों अंदर की तरफ। दोस्तों, ये है भूल भुलैया के अंदर और यहाँ देख सकते हैं 45 स्टेप चढ़ने हैं, 84 स्टेप है, यानी 45 के बाद भूल भुलैया स्टार्ट हो जाता है। तो अभी हम चल रहे हैं भूल भुलैया की तरफ। काफ़ी पब्लिक यहाँ पर जा रही है। याद कर लिए 786 92। अच्छा, यही थे एंट्री होनी, यही थे एग्जिट होना। 1024 रास्ते, 1023 गलत, 101 सही। अंदर लेना है अपने अपने मोबाइल की तरफ। हर मोड़ पे आपको 4 रास्ते मिलेंगे, 3 गलत, 1 सही। आइए, हर मोड़ पे 4 रास्ते की तरफ, जिसमें से 3 गलत, 1 सही। 3 गलत, 1 सही। देखिए, यहाँ से भूल भुलैया स्टार्ट हो रहा है। जिस गैली में हम खड़े, इस गैली की लंबान है 330 फीट। 330 फीट गैली लंबान है, 15 फीट मोटी है, जिसमें से 2-2 फीट के रास्ते निकाले गए। भूल भुलैया बनाई गई है हमारे और आपके आने और जाने के लिए। आइए, यहाँ से कुछ कदम हम आगे चलेंगे, अंडरग्राउंड टनल दिखाएंगे जो शहर के बाहर जाती है और शहर के अंदर। पूरा का पूरा दोस्तों देख सकते हैं अंधेरा है और अभी हम चलने वाले हैं नीचे अंदर की तरफ। यहाँ पर कुछ खुफिया रास्ते हैं जो हमें दिखाएंगे और देख सकते हैं ये है पूरा का पूरा भूल भुलैया और कुछ रास्ते इधर गए। यहाँ पे काफ़ी लोग पब्लिक यहाँ पे आ गई है, देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा भीड़ हो गया है। और ये देख सकते हैं ये कुछ टनल कुछ रास्ते हैं जो बंद कर दिए गए हैं। देखिए, अंडरग्राउंड रास्ते हैं, टनल, फैजाबाद, कलकत्ता, दिल्ली जैसे रास्ते, अंडरग्राउंड जमीनी रास्ते। जब ये बिल्डिंग बनाई गई थी तो अंडरग्राउंड रास्ते निकाले गए थे, खुफिया रास्ते। नवाब साहब असफ़ुद्दौला को शहर के बाहर जाना होता था और आना होता था, इन्हीं रास्तों से जाते थे, इन्हीं रास्तों से आते थे। अंडरग्राउंड टनल है, 1857 में इन रास्तों को बंद कर दिया गया, जिसका कोई यूज नहीं है। ये इतना छोड़ा गया है आपको दिखाने के लिए। किसी जमाने में यहाँ पे एक गेट हुआ करता था, गेट हटा के एक दीवार उठा दी गई है, सिर्फ आपको दिखाने के लिए। 1857 में अंग्रेजी गवर्नमेंट के लोग खजाने की लालच में गए थे, आज तक वापस नहीं आए। कुछ लोगों का ऑक्सीजन ना मिलने की वजह से कुछ लोगों की मौत हो गई, जो बचे थे वो वापस निकले, उन्होंने बिल्डिंग को लेबरन का नाम दे दिया। काफी गाइस, यहाँ पे अंधेरा है और अभी हम चल रहे हैं आगे की तरफ और यहाँ देख सकते हैं कुछ रास्ते इधर है, वाकई में भूल भुलैया है। उस जमाने का कैमरा दिखाएंगे जिसकी दूरी 930 फीट की होगी, सीधे आइए। उसको बोलते हैं चोर दरवाजा, हम खड़े हो गए, बाहर वाले को देखेंगे, बाहर वाले को इस बात की कोई खबर नहीं, उनको कौन देख रहा है। अच्छा, सामने देखिए,
दुश्मन देखने का रास्ता, जिसको कहा जाता है उस जमाने का कैमरा, इसकी दूरी 930 फीट की है। उस जमाने में बिल्डिंग में जैसे कोई दुश्मन आता था, नवाब साहब के सैनिक पहले ही से देख लेते थे, नवाब साहब को खबर कर देते थे। इसको बोलते हैं दुश्मन देखने का रास्ता। चलिए आप सीधे थोड़ा आगे चलिए, नीचे वाले आइए, सामने देखिए, जिसकी दूरी 930 फीट की है, दुश्मन देखने का रास्ता। मेन सेकेंड फ्लोर पे भूल भुलैया में हम आपको दीवारों के कान सुनाएंगे। 15-20 फीट की दूरी पे हम खड़ा कर देंगे और दीवार के अंदर से आपको आवाज लगाएंगे। आप खामोशी से कान लगा के सुनोगे तो आपको आवाज सुनाई देगी, कोई आपको बुला रहा है। इसीलिए कहा जाता था उस जमाने में, किसी की बुराई मत करो, किसी को बुरा मत कहो, दीवारों के भी कान होते हैं। पहले फ्लोर पे हमने आपको अंडरग्राउंड टनल दिखाया और चोर दरवाजा दिखाया। आप देख रहे जा रहे हैं दीवारों के कान। सेकंड फ्लोर पे हम आपको दीवारों के कान सुनाएंगे, आप खामोशी से कान लगा के सुनोगे तो दीवार के अंदर से आवाज आएगी। पूरा का पूरा दोस्तों भूल भुलैया है और इसमें चार दरवाजे दोस्तों बनाए गए हैं। इसमें से तीन दरवाजा जो है वो झूठा दरवाजा है, नकली दरवाजा है। एक दरवाजा है जो असली है, आपको उसी रास्ते से जाना है। और काफ़ी इंटरेस्टिंग है यहाँ पे, और ये देख सकते हैं मैं अभी अंदर की तरफ चल रहा हूँ और पूरा का पूरा देख सकते हैं यहाँ पे कुछ स्ट्रक्चर दिख रहा है इस तरीके का। तो अभी हम चल रहे हैं आगे की तरफ और ये वाकई में एक भूल भुलैया है दोस्तों यहाँ आए तो। यहाँ एक्चुअली क्या है, यहाँ पे गाइड जो है वो अनिवार्य है, गाइड करना जरूरी है करके। फॉरन मूवी डरावनी आप देखते हैं वैसे ही डरावनी सी आवाज होगी, आप डरेंगे नहीं, आपके गेट की आवाज होगी, आपको एकदम खामोशी से सुनना होगा। कृपया शांत रहें। एक एक दोस्तों हम सुन रहे हैं उनकी आवाज। दोस्तों इस इमाम बारे के पीछे एक ऐसी हिस्ट्री है जो मैं अब आपको बताने वाला हूँ। दोस्तों इसे बनाया था 1748 में नवाब असदुद्दौला के द्वारा। दोस्तों उस समय बताया जाता है कि ये जो बिल्डिंग बन के बना वो लगभग 11 साल में तैयार हुआ। 5 सालों तक बिल्डिंग को बनाया गया और तोड़ा गया। कारण ये था कि उस समय जो थी भुखमरी फैल चुकी थी और लोगों का मानना था कि हम जब भी खाना खाएंगे तो अपनी रोज़ी रोटी जो है कमा करके ही खाएंगे। उस समय जो नवाब थे उन्होंने इस इमारत को बनवाया, दिन में बनवाते रात में इमारत को तुड़वा देते थे। तो ये कार्यक्रम 5 साल तक चलता रहा जब तक भुखमरी थी। भुखमरी के बाद ये बिल्डिंग 11 साल में बनकर तैयार हुआ और यहाँ पे ये आज देख सकते हैं मेरे पीछे ये पूरा का पूरा बड़ा इमाम बाड़ा जो काफ़ी फेमस है दोस्तों। अब हम आ गए हैं इमाम बाड़े के सबसे ऊपरी मंजिल पर और देख सकते हैं काफ़ी शानदार और काफ़ी खूबसूरत ये कुछ ऊपर के नज़ारे आपको देखने को मिलेंगे। दोस्तों बादशाह को पसंद था खाने में लौंग और लहसुन, तो देख सकते हैं उन्होंने इस तरीके का ऊपर जो टावर है वो लौंग का बनाया और नीचे देख सकते हैं कुछ लहसुन की यहाँ पे आकृति दी गई है। तो कुछ इस तरीके का आपको टावर यहाँ पे दिखाई देगा लौंग और लहसुन का। तो इस भूल भुलैये के अंदर बनाया गया था एक गुप्त रास्ता जो कि दिल्ली, कोलकाता और मुंबई जैसे शहरों में निकला करती थी। जब 1857 में अंग्रेज़ों ने यहाँ हमला किया तो राजा नवाब और उनके जो प्रजा थी उन सबको, जो यहाँ के नवाब थे असदुद्दौला, उन सबको गुप्त रास्ते से यहाँ से निकलवा दिया गया। और उसके बाद यहाँ पे बड़ी बड़ी दीवारें खड़ी कर दी गई जो कि अब वो रास्ता है वो पूरी तरीके से बंद है। तो ये एक भूल भुलैये का एक वाक्य है जो मैंने आपको बताया दोस्तों। अब चलते हैं आगे की तरफ। यहाँ पे 6 रास्ते इस तरीके का आपको देखने को मिलेंगे जो ऊपर की तरफ आता है। और इस भूल भुलैये का कहा जाता है कि जितना आप नीचे तरफ जाएंगे उतना आप खोते चले जाएंगे और जितना ऊपर की तरफ आएंगे उतना आप सेफ जोन में जाएंगे। तो यहाँ पूरा ये पूरा यहाँ का नज़ारा है। चलते हैं नीचे की तरफ। दोस्तों अभी हम चलने वाले हैं यहाँ की बावली देखने और जिसे उस समय बनाया गया था। और इस बावली का एक अपना एक अलग इतिहास है। ऐसा कहा जाता है कि नवाब असदुद्दौला के जो सिपाही थे, जो उनके मेन सिपा सालार हुआ करते थे, उन्होंने जितना भी खजाना था सारा खजाना लेकर इस बावली है उसमें कूद गए और उनका चाबी। यहाँ से जो एंट्री है दोस्तों शाही बावली इमाम बाड़ा का, ये इसका मेन दरवाज़ा है और यहाँ पर टिकट चेक की जा रही है। 40 साल पुराना पानी जो CCTV कैमरे का काम करता है, हम जितने भी लोग खड़े हमारी पिक्चर इस पानी के जरिए अंदर वाले देख रहे हैं।
लेकिन हमें इस बात की खबर नहीं है हमको कौन देख रहा है। उस जमाने में कैमरे वैमरे नहीं होते थे, यही पानी कैमरे का काम करता आई है। तो ये देख सकते हैं पुराने जमाने का CCTV, यहाँ देख सकते हैं पानी में उधर से बावली में एंटर जो कर रहे हैं लोग, उसकी पूरी तस्वीर साफ नज़र आ रही होगी आपको। तो यहाँ जो असदुद्दौला के फौजी थे वो यहाँ खड़े होते थे और यहाँ पर देखकर तीरंदाजी किया करते थे। तो देख सकते हैं सामने अंधेरा रास्ता है और मैं यहाँ अकेले ही हूँ। तो उस दौर के जो नवाब हुआ करते थे वो अपनी नवाबी के लिए काफ़ी फेमस हुआ करते थे। दोस्तों अवध के आखिरी नवाब जो थे वाजिद अली शाह, वो एक बार शतरंज खेल रहे थे। शतरंज खेलते वक्त जो सैनिक थी अंग्रेजों को, इन्होंने हमला कर दिया और सभी लोग भाग गए, लेकिन वो वहाँ पे बैठे रहे। तो लोगों ने उनसे पूछा, जनाब वाजिद अली शाह कि आप क्यों उठ के नहीं भागे? तो उन्होंने कहा कि मुझे कोई जूता पहनाने वाला नहीं था, इसलिए मैं यहाँ बैठा रह गया। तो ये एक नवाब की कहानी है। फाइनली गाइस हम आ गए हैं बड़े इमाम बाड़े के अंदर और ये देख सकते हैं यहाँ पे मुहर्रम का ताज़िया आपको देखने को मिलेगा। पूरा पूरा अंदर की खूबसूरती देख सकते हैं, काफ़ी शानदार यहाँ पे देखने को मिलेगा। यहाँ इस तरफ देख सकते हैं नवाब असदुद्दौला का मकबरा, यहाँ पे उन्हें सपुर्दे खाक कर दिया गया था। 14 फीट नीचे यहाँ पे देख सकते हैं गहरी है और इस अर्ध में यहाँ पे ये आराम फरमा रहे हैं। और यहाँ देख सकते हैं नवाब साहब जो ताज पहना करते थे, वो ताज का एक फ़ोटो यहाँ पे देख सकते हैं। असली ताज जो है वो लंदन में अंग्रेज़ उस समय ले गए थे, वो अभी तक वापस लेकर नहीं आए। दोस्तों नवाब साहब के टाइम मुहर्रम में ताजिए यहाँ पे निकाले जाते थे और उस टाइम से लेकर अभी तक यहाँ पे हर मुहर्रम के पहले दिन को ये ताजिया यहाँ से निकाला जाता है। ये देख सकते हैं इमाम बाड़े के अंदर छोटी छोटी यहाँ पर खिड़कियाँ नज़र आएंगी। यहाँ पर उस समय नवाब साहब के घर घराने की जो औरतें थीं यहाँ पे बैठा करती थीं, क्योंकि उस दौर में पर्दे का दौर था और आज भी पर्दे का दौर है। तो पर्दे इस्लाम में पर्दा बहुत ही बारीकी से देखा जाता है। तो उस समय यहाँ पे उनकी जो बेगम थी और जो दासियाँ थी यहाँ बैठा करती थी और यहाँ पे इमाम हसन हुसैन की जो बातें हुआ करती थी वो यहाँ से बैठ कर देखा करती थी और सुना करती थी। तो ये भी काफ़ी शानदार है अपने आप में एक। तो ये साथ में ही लगी हुई है, ये है शाही मस्जिद और इस पे देख सकते हैं काफ़ी शानदार देखने को मिलेगा। ये पूरा का पूरा यहाँ पे मस्जिद है, ये मेन एंट्री है दोस्तों जहाँ से हमने एंट्री किया था। और उस समय है उस उधर है शाही बावली और ये है पूरा का पूरा भूल भुलैया। तो वीडियो को करते हैं ख़त्म। तो कैसा लगा है कमेंट करके बताएं। मिलते हैं फिर से एक नए ब्लॉग में नए जर्नी के साथ।